और ये चीज सब चीजें कायम करनी होती है, वो बेचारे इस चीज से महरूम है। बट इस वक्त मेरे जो पार्टनर्स हैं, मेरे मेंबर्स हैं जो कि इस टाइम सुन रहे हैं, वो उन तक की बात पहुंचाएंगे। आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज में ऐसे बहुत लोग होंगे जो रेडियो नहीं सुनते या नहीं सुन पाते, उनको सुनने का तरीका तक नहीं आता, उनको ये भी नहीं पता कि उनके मोबाइल में रेडियो का ऑप्शन मौजूद है। तो उनको बताइए कि ये रेडियो जो कि बाकी इंटरनेशनल लोग भी जो होते हैं, इंटरनेशनल लिसनर अपनी जो गाड़ी में बहुत से लोग जो है इंटरनेशनल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की बात करें, यूरोप की बात करें, जहां की बात करें, वहां पे लोग गाड़ी में रेडियो सुनते हैं। और ये ट्रेंड है, इस ट्रेंड को किसने चलाना है? किसने? मैंने नहीं, आपने इस ट्रेंड को आगे लेके जाना है। फेवरेट सॉन्ग भी सुनेंगे, बहुत सी बातें और अपनों की भीगी भीगी यादें इन भीगी भीगी रातों में, ये सब चीजें होंगी, आपको मिलेंगी इसी शो में, जिस शो का नाम है शप गप, जहां पे आप और हम करेंगे गपशप विद आरजे साहिली जाट। इससे पहले कि मैं बॉल बॉल के थक जाऊं, लंबे सांस लेने लग जाऊं, बट बिफोर आई जस्ट गो फॉरवर्ड, आगे थोड़ा और जाते हैं, पर उससे पहले आई जस्ट वांट टू से आप लोग कैसे हैं इस माइक यार, मैं आपको सलाम कर, नहीं अरे हैंड शेक तो लाओ नहीं है, वैसे दूर से हाय कैसे हैं आप लोग, अपना हाल हवाल मुझे बताना मत भूलिएगा, बड़ा सिंपल है, मुझे पहले हाल हवाल बताइए फिर आगे बताता हूँ आज आप क्या करेंगे शो में। राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपके नाम, सिटी कहां से बात कर रहे हैं, लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर 4471 इज बेसिकली द राइट व्हाट वी से सेंटेंस, जिसको फॉलो करते ही आप मेरे साथ मेरे शो में आ जाएंगे खामोशी से। फरमाइशी प्रोग्राम थोड़ा सा देख के चलेगा, क्योंकि मैं इतने से बात आता हूँ, अगर आपकी फरमाइशें पूरी करूंगा तो मेरी फरमाइश कौन पूरी करेगा, तो मिल बांट के खाएंगे। मेरी फरमाइश फिलहाल ये है कि आप लोग खामोशी से आ जाइए मेरे पास एफएम 101 चैनल पाकिस्तान, लिखिए जल्दी से कहां लिखना है, फेसबुक की सर्च बार के ऊपर लिखना है एफएम 101 चैनल पाकिस्तान, पहले ही पोस्ट लग चुकी है, खामोशी से आ जाइए मेरे पास। मेरे पास जैसे ही आएंगे तो फौरन से पहले मैं आप लोगों का नाम जब यहाँ पे कॉल करूंगा, आप लोगों का नाम जब बोलूंगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ जी मेरा मैसेज आप तक पहुंच गया। सो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं कुछ जिन्होंने मेरी बात आवाज सुनते ही फौरन से मैसेज किया था, आज इस वाना यू नो जिनका मैं नाम लेना चाहूंगा क्योंकि मुझे वैसे नहीं करता, आज दिल कर रहा है तो कर लेता हूँ। सो हमारे साथ पारसा फॉरम इस्लामाबाद मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? क्यू टू आर जे प्यारा आर जे, थैंक यू। पारसा ने सबसे पहले मैसेज किया, हाय पारसा, हाउ आर यू, फर्स्ट पोजीशन। उसके बाद ये सेकंड पोजीशन में मौजूद हैं, हाय डीजे कैसे हो, पिंटी से, आपने मुझे अपना नाम नहीं बताया, बताना चाहिए था। यासीन वट्टू माइस मौजूद है फ्रॉम बहावलपुर कैंसर, बहुत शुक्रिया मौजूद होने का। और साहिल भाई वेरी नाइस शो, स्टे ब्लेस्ड और एक्सेप्ट माय हेरिटेज, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बार्स इस्लामाबाद से, क्या हाल है? मैं बहुत प्यारी, अच्छा माशाल्लाह आप प्यारी हैं, ग्रेट, अच्छा लगा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे। सईद भाई बॉस अस्सलाम वालेकुम, नारवाल तक मेरे पास तुम हो, अच्छा जी नारवाल तक भी मेरी आवाज आ रही है, अरे इतनी दूर दूर। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आई जस्ट वांट टू प्ले अ वेरी 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 फर्स्ट सॉन्ग फॉर यू ऑल, दैट इज लाया लाया बट इन सम डिफरेंट वे। टू दोज़ हू लाइक सम काइंड ऑफ अ पंजाबी टच, दिस सॉन्ग इज बेसिकली बिलोंग्स टू यू। अच्छो ना जी, enjoy this beautiful track and I'll be right back, kyunki apna rahega khushiyon ke sar pe ghamon ka taaj, main hu aapka host kaun, Sahil Jaas, kahin ban jayega, I'll be right back।
आ गया। वेलकम बैक आफ्टर वेरी वेरी नाइस ट्रैक व्हिच इज बेसिकली लाया लाया। इसके कोर वर्जन दैट वाज वेरी वेरी फार सुन चुके होंगे आप लोग शायद, मैं दोबारा सुनना चाहूंगा। मेरा तो दिल करता आप लोगों को सुनाता हूँ ये ट्रैक, बट देखते हैं कौन सा था कि मैं हारा जैसे टूटा हुआ हो सितारा, बस आंसू मेरे हिस्से में है दर्द सारा, सपने आंसू बनके सब मेरे रह गए हो, तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा। अरे भास्कर पगले रुलाएगा क्या? बाद में आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ की ठंड हवाएं और असीम फिजाएं आप ही का तो वेट कर रही थी, अभी का इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पे बहुत सी चीजें मौजूद हैं। ऐसे कि मेरे सामने पड़ी हुई लाल बोतल जिससे मैं पानी पीता हूँ, और उसके सामने है रेड कलर के, वैसे इस टाइम तो बोतल से सब चीजें मैच हो गई। मेरे पास इस टाइम सामने पड़ी हुई है तीन कुर्सियां, और एक पे तो मैं बैठा हूँ वो तो चौथी है, और सामने एक रेड कलर का कारपेट है, बड़े मजे का सजा हुआ इस टाइम हमारा पूरा का पूरा जो हॉल है, और इस टाइम तीन सीट्स हैं, मुकाबला लगा लेंगे कौन यहाँ पे पहले बैठना चाहता है। तो उसके लिए क्या करना होगा, जस्ट गो राइट नाउ इन द राइट मैसेज में जाइए, कहीं नहीं जाना, ना बाजार जाना, ना शॉपिंग, ना सेल, किसी चीज का वेट नहीं करना, सिंपली उठना है, और उठने की भी जरूरत नहीं है बल्कि अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल करने, साथ साथ रेडियो चलता रहे उसको बैक करके आप फौरन से पहले आइए। आपकी मेरी मुलाकात हो रही है इस ठंड में, और इस ठंड में जो मुलाकातें होती हैं वैसी बड़ी कीमती और अनमोल होती हैं। ठंड की कदर आप क्या जानो पाकिस्तानियों, अरे ठंड की, हम लोग ठंड को एंजॉय नहीं करते, वो मैं वैसे करता था, मैं भी नहीं हूँ, बट हकीकत यह हमें करना चाहिए। आपको पता है बाहर जहाँ पे ऐसे भी मुल्क हैं, ऐसे भी जगह हैं जहाँ पे सिर्फ पूरा साल बर्फबारी होती रहती है, और वहाँ पे लोग इंजॉय करने के लिए जाते हैं, और प्रॉपरली उस वहाँ भी इंजॉय करने के वहाँ पर रहते भी हैं, तो इट्स वेरी वेरी बिग अपॉर्चुनिटी यार। हमारा क्या है बस का मतलब, सर्दी किसी से इंजॉय कर सकते हैं हम लोग, हैंग आउट्स कर सकते हैं घर में फैमिली के साथ, बहुत कुछ। आज डेफिनेटली हम लोग रिश्तों को लेकर आगे चलेंगे, हम लोग रिश्तों में बड़े कमजोर होते जा रहे हैं, रिश्तों में बहादुरियाँ दिखानी है, रिश्तों में जब तक हम अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कुछ कर पाएंगे। तो हम लोगों ने क्या करना है, वो यार हम लोगों ने कुछ नहीं करना, ना दिमाग लगाना है ज्यादा, ना कुछ और लगाना है ज्यादा, बस प्यार और मोहब्बत से सबके साथ रहना है बस। द पश्तो ट्रैक डेडिकेटेड टू ऑल पख्तो बरादरी, इस पश्तो ट्रैक डेडिकेटेड टू ऑल द फैमिलीज हियर। पख्तून ब्रादरी अगर आप मेरे साथ असर नहीं करेगा तो अभी के अभी रेडियो चैनल चेंज कर दो। हम सब पाकिस्तान की तरफ से पश्तो जो ब्रादरी है उसको डेडिकेट करने जा रहा हूँ ये ट्रैक, और कहीं मत जाइएगा, मैं आपके मैसेजेस का इंतजार कर रहा हूँ। राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम सिटी कहाँ से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। फेसबुक पे जाइए FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखिए जल्दी से पहले फेसबुक पे, और आ जाइए मेरे साथ, क्योंकि अब न रहेगा खुशियों के सर पे गमों का ताज। मैं हूँ आपका होस्ट कौन, साहिली जा, कहीं मत जाएगा। राइट बैक सोना बयारी दहे छा
નાકડમ સફ યારી છે ના સે તમરો સ્વાદ કડમા સળચે ઓછા તનિસ દે નાકડે લિબાસે ખલક દીદા લિબાસ ખંદા કવીના ખુદે દેવાખલા જાના જાના છેરા થવાએ મળ બસામા જયે પકશરા લુર મયાયમ મોરીએ દ મશરે સિફત કડી ખંદા રાજીના ઓર દે અલમા ઓકલા ઓર દે मेहरबानी था। देखिए आज मैंने तकरीबन सब लोगों का जो है ना गानों से पेट भर दिया है, अब मेरी बारी। ओ
Ladies and gentlemen, this is what we call the finest entertainment. आप सब लोगों को यहाँ पर हम लोगों ने एक साथ जोड़ लिया. एक साथ जोड़ने का मतलब यह है कि हम सब तकरीबन हर कम्युनिटी के लोग इस वक्त मौजूद हैं, मुझे सुन रहे हैं खामोशी से या कुछ और करके, कुछ के चेहरों पे मुस्कुराहट होगी, कुछ मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे होंगे कि आखिरकार मैं कर क्या रहा हूँ. देखिए, हम वो करते हैं जो हमारा दिल करता है और दिल वो करता है जो हम करते हैं. हम हमारी केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छी चल रही है. इससे पहले कि केमिस्ट्री को और आगे लेके जाएं, हम जाने वाले हैं बायो की तरफ. इट मींस हम जाने वाले हैं टुवर्ड्स अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, एंड दैट शॉर्ट ब्रेक इज फॉर यू नो द टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 10:30. समझ जाना होगा. नहीं नहीं नहीं, जा नहीं रहा. अरे क्यों परेशान होते हैं जी, मैं यूं गया यूं आया. ठीक है जी, जिससे छोटी सी ब्रेक है और उसके बाद मैं दोबारा से आ रहा हूँ. कहीं मत जाएगा, आई विल बी राइट बैक. क्योंकि अब ना रहेगा खुशियों के सर पे गमों का ताज. मैं हूं कौन, आप जानते हैं. टाइम चेक, इट्स 10:30 PM. आयशा ये ट्यून सुनो, बताओ किसकी है. ठीक है, ये फेयर एंड लवली की. फिर से सुनो. 100% फेयर एंड लवली की है ना. तो ये ग्लो एंड लवली की ट्यून है. कैसे? क्योंकि फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली. अब हर चेहरा करे ग्लो. पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम. रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमा. आप सुन रहे हैं FM 101. सबके अंदर एक जंगली जानवर, एक मॉन्स्टर पाया जाता है. अरे उसी को तो कम करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. Ladies and gentlemen, you know what? आज मेरा दिल कर रहा है आप लोगों से बहुत सी और बातें करने का. और लाइक समथिंग अबाउट वेरी वेरी क्रिएटिव. लाइक हमारे दिल की बात है, हमारे अंदर की बात है, हमारी फैमिली की बात है. आइए इस छोटी छोटी नोक जोक को, जो कि जिंदगी में कहीं ना कहीं हमारे फूलों जैसी जिंदगी के साथ जो कांटे लगे हैं छोटे छोटे, आइए उसको साफ करने की कोशिश करते हैं. आइए अच्छे माली बनते हैं. तो कुछ मैसेज पढ़ूंगा, उसके बाद अच्छे माली बनने की कोशिश करेंगे. सो हमारे साथ कौन कौन मौजूद, आइए चलते हैं फेसबुक की जानिब और वहां से कौन कौन हमारे साथ मौजूद, आइए देखते हैं. जी हाँ, बहुत खुश और मसरूर हो रहे हैं क्योंकि एक आ गया है शाकार जिसका था इंतजार. अरे दीवा, ये मेरे लिए था क्या? इतनी प्यारी लाइंस, थैंक यू. और बहुत इंतजार था, बहुत शुक्रिया, खुश रहिएगा. और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है. अच्छा एक और चीज है जो कि मुझे, मैं वैसे ऐसी बातें नहीं करता और मेरे जो साइलेंस है जो मुझसे प्यार करते हैं, जिससे मैं प्यार करता हूँ, और उन्होंने कहीं तहकीक कर ली, अल्लाह जाने पता नहीं कहाँ से. ये लोग बहुत तेज हैं कसम से, आप लोग इतने तेज हैं ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के जो है ना दिमाग लगा के. लास्ट टाइम मेरा एक शो था, मुझे बेसिकली दीपा ने ये बोला, दीपा खान ने मेरे पेज पे, कि आई मस्ट हैव टू से क्या हुआ था, इट्स नॉट समथिंग वेरी बिग. इन्होंने कहा था कि आपने बस सीखा. मैं बेसिकली मैं कुछ चीज़ें सिखाने के लिए आता हूँ यहाँ पे, और मेरा जो पीस सेगमेंट होता है और मेरी जो बातें होती है उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी और ये मोटिवेशन तब इसलिए होता है असल में कि आप लोग रुक के शो सुने बीच में. जैसे मैं पीस सेगमेंट डालता हूँ ना, वो बेसिकली असल मेरा शो का मकसद होता है. बाकी जो शोर कर रहा होता है, जनाबान, ये सब इसलिए होता है कि कम से कम आप लोग रुके रहें, किसी बहाने तो रुके रहें. जब आप रुके रहते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली आपको चीज तो मिल ही जाती है. सो रिसेंटली मेरा थोड़ा सा बस एक
मुश्किल है मेरे लिए, उन्होंने मुझे कहा था, इसलिए मैं ये काइंड ऑफ एक्सीडेंट हुआ था और उसी आदमी में रेडियो करके गया था और उन्होंने कहा था कि लोगों को पता चले कि हाँ ये बात सच है कि आरजे बनना आसान है, साहिल बनना मुश्किल है, और मैं बस एक्सीडेंट से ही फ्रेश होके पहले एक घंटे पहले हुआ और उसी के बाद गाड़ी वहीं छोड़ के आ गया और बाइक पे ठंड में इधर आया और उसी आदत में मैंने शो किया। थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ अ बैड कंडीशन थी बट मैं उसको बता नहीं सकता, बट स्टिल दीवा देखो मैंने चैलेंज पूरा कर दिया। थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि तफसीलात मैं नहीं बता सकता क्योंकि ऐसे हम नहीं कर सकते, और हम मतलब कोई और करें तो करें मैं ऐसा नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि जो दुख होते हैं सारे अपने अपने होते हैं, बहुत कम लोग लिमिटेड लोग होते हैं उनके सामने, और जिसका मेरा मकसद यहाँ पे कम अज कम यह है क्योंकि मैं आप लोगों के मसले सॉल्व करने के लिए हूँ, आपको टेंशन देने के लिए नहीं आया। शाजम आज से मौजूद है, बहुत शुक्रिया शाजम खान, आपका पश्तो को ट्रैक में लगा दिया। खुश नूर अली माज से मौजूद है और ये हुई ना बात, ब्यूटीफुल पिक्चर, थैंक यू सो मच। नारवाल से माज से मौजूद है, बहुत शुक्रिया। असलाम ब्रो नाइस वॉच, थैंक यू, आवाज की तारीफ करिए, बहुत शुक्रिया। फातिमा हमारे साथ, फातिमा ईमान हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। सलाम भाई, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू। नवाल हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उमर वहीद अस्सलाम वालेकुम, और आई एम फ्रॉम एम बी दीन, अच्छा मंडी बहाउद्दीन, ओके, और वेरी इंफॉर्मेटिव शो, यस आई नो, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड देन वी हैव दानिश अली साबरी हमारे से मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मौजूद रहने का। गुजर खान से मौजूद है, थैंक यू जी, थैंक यू जी। अच्छा वही बात है जी, इन्होंने भी वही बात की, दानिश ने कि आपने बड़े क्यूरियोसिटी वाले लिखी थी कि आपको कुछ हुआ नहीं, और कुछ हुआ था और क्यूरियोसिटी रखी थी मैंने, अच्छी थी, मैंने क्यूरियोसिटी क्लियर कर दी, थैंक यू जी। दीपा साहब बहुत शुक्रिया, आप खुश रहिएगा, बात रहेगा। साबिर हमारे साथ, वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। नासिर थैंक यू जी हमारे साथ मौजूद होने का, और हमारे साथ फिर उसके बाद आगे हैं जी सुमा जो हमारे साथ मौजूद हैं, और कह रही पख्तों में बात करें, मैं पख्तों में बात हमको नहीं आता हुआ लाला, तो तुम हमारे चंगे बोले टेम्प को ऐसे तोड़ता है, ऐसे तोड़ता जैसे कोई इशारा नहीं तोड़ता होगा, जैसे तुम्हारा टेम्पो तोड़ता है। पर चलो कोई बात नहीं, आपके प्यार की खातिर हम कर लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ आलमगीर मौजूद है, फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, वेलकम नहीं करोगा रे यार, आओ वेलकम करने के, अपने घर में कौन वेलकम करता है यार। We have Samina Bhooch. Assalamualaikum, Waalaikum Assalam. Khakar bhai, are itne arse baad, awesome show keh rahe hain. Are kahan the Ramesh? Hi, how are you? I'm fine. What about you, Mani? Sahil, isse waise maujood hain. Assalamualaikum, sir bhai, kaise hain? Main bilkul theek thaak hoon. Mere bhai jo hai, Shani ko bhi salam de diya aur 3 idiots ko bhi salam de diya. Acha, thank you so much. Aur kuch log hain jo ki Facebook mein kahin na kahin ulta seedha kahin ghoomte phirte hain, aur unse guzarish hai ki kabhi bhi yaad rakhiyega, guys, this is family show and this is RJ Sahil show. So yahan ke protocols aur kuch conditions लगे, हाँ यहाँ दिल के लोगों दिल के लोग ही आते हैं और दिल के लोग ही बातें करते हैं, दिल वाले ही सुनते हैं, दिल वाले ही बात करते हैं, सो दिमाग वाले हमें यहाँ चाहिए नहीं है। स्टिल एक नए कैपेसिटी हमने स्टिल के लिए भी रखी हुई है, बट स्टिल मैं ये चाहूंगा कि आप लोग जब भी कभी आए तो यहाँ पे फैमिली जोन का जरूर जो है ध्यान रखें। कुछ देर हम गपशप करेंगे पर उससे पहले कुछ और मैसेजेस जो है शामिल करते हैं। अच्छा लगता है जब मुझसे आपसे आप लोग इतने प्यारे प्यारे मैसेज कर रहे होते हैं, मुझसे बात कर रहे होते हैं, तो दिल करता है आप लोगों से बात करने का। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद थी नाजा, नाजा ने कॉल की थी और बड़ा अच्छा लगा था उनको शो, और तारीफ करके चली गई और कहती थी कुछ सॉन्ग डेडिकेट कर देने, आपको इंग्लिश में ये सॉन्ग डेडिकेट कर दिया मैंने, नाजा ले लो। कहेगी भाई मुझे समझ तो आ ही नहीं रहा, समझ मुझे भी नहीं आ रहा, पर सिर्फ सुनो कितना कितना से बोल रही है।
हैं फतेहबा खान हमारे से मुझे बहुत शुक्रिया रावल कोट से। और तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक ठाक स्टेबल है, थैंक यू। महल अजमाल बहुत शुक्रिया, वेलकम टू अवर शो सर जी, थैंक यू सो मच। हरीम गुल साहब वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एवरी सिंगल पर्सन हु इज बेसिकली हियर विद मी एंड अहद रजा जो है सैड सॉन्ग अरे लगाएंगे ना जी, अरे दर्द तो बांटने बैठे हैं हमारे, क्यों टेंशन लेते हैं आप? देखे ना यहाँ पे टेंशन लेने का नहीं, देने का, देना किसको? मुझे दिल खोल के टेंशन दीजिए, मैं बदले में आपको मोहब्बत और ये सब चीजों में रिटर्न करके दे दूंगा। फ्री पैकेज है, ले लीजिए। इससे पहले कि फ्री पैकेज की तरफ जाएं, आई जस्ट वांट टू गिव यू अ वेरी काइंड ऑफ अ किक ऑफ ऑफ व्हाट, किक ऑफ इमोशंस, किक ऑफ फीलिंग्स, किक ऑफ व्हाट वी लॉस्ट, किक ऑफ व्हाट वी हैव टू गेन, किक ऑफ एवरीथिंग। सो द टाइम ऑफ द किक, इट मींस नाउ द टाइम इज अबाउट टू शफल टुवर्ड्स द पीस सेगमेंट। सो get ready everyone, and now I'm going to turn myself to the bass. The bass of what? The bass of the life. So please don't go anywhere. The time, you know, the time is about to change. So I'm about to start. 3, 2, 1. Standing on the platform, watching you go. रिश्ते क्या हैं ये रिश्ते, कैसे हैं ये रिश्ते, कैसे दिखते हैं ये रिश्ते, इनमें कमाल क्या होता है, अलग अंदाज क्या होता है, खूबसूरत क्या होता है, ये होती क्यों है, हम इस दुनिया में एक साथ क्यों भेजा गया, किसी रिश्ते में क्यों बांधा गया? हमारा खुदा चाहता तो हम सबको अलग अलग पैदा करता। इस जमीन से हम पेड़ पौधों की तरह निकलते और निकल के बसने वहीं पे बसने लग जाते। हम एक फैमिली में क्यों बांधा गया, हम इंसान क्यों बनाया गया? एक जानवर और इंसानों में एक कॉमन चीज है, उनकी भी फैमिली होती है, हमारी भी फैमिली है, वो सब फैमिली में रहते हैं। व्हाई वी आर लिविंग इन दिस फैमिली, ये रिश्ते बनाए क्यों जाते हैं, रिश्ते होते क्यों है, दिखने में इतने कड़वे और असल में तासीर इतनी मीठी क्यों होती है, ये फर्क क्यों होता है, क्या है ये? जानने को तो हमारे पास भी बहुत से जवाब होंगे, क्या बोला कि हम सब रिश्ते में अगर मौजूद हैं इसका मतलब है कि बस टाइम पास या कुछ और दो चार लाइंस जो हमने खुद को बताई हुई हैं, अननेसेसरी लाइंस जो कि सिर्फ हमें तकलीफ ही देना चाहती हैं अच्छे तरीके से, उसके अलावा कुछ खास नहीं। सो व्हाई वी आर लिसनिंग टू दैट तकलीफ वाली लाइंस, व्हाई? मुश्किल होता है। So, मेरा पॉइंट आज यहां पर आकर इस टॉपिक को छेड़ने का बहुत सिंपल है जी, वो क्या है, let me tell you। रिश्ते और उनकी गहराइयां, कितने गहरे हैं ये रिश्ते, दिखने में महज इंसानों के साथ रहना और असल में उसमें छुपी गहराइयां, कितना मुश्किल है ना ये सब सोचना, समझना और इस पे अमल करना, डेफिनेटली मुश्किल है, पर इस मुश्किल को आसान कौन करेगा? आप, मैं और कोई नहीं, सिर्फ आप और मैं। जब कभी भी जिंदगी में मुश्किलात या ये सब चीजें रिश्तों में दरारें बन के हमारे बीच में आएंगी, कौन करेगा उसको, सुलझाएगा कौन? आप, मैं। जब कभी आपके अपने रूट जाएंगे आपसे, आपको बोलेंगे कि बस मुझे बाप के साथ रहना नहीं है, जाने की कोशिश करेंगे, छोड़ जाने के वादे करेंगे, कौन सुधारेगा उन्हें, कौन मनाएगा उन्हें? आप, मैं। सबसे ज्यादा मुश्किल जो है मुझे लगता है
बड़ा कारोबार कर करना, रिस्क कमाना, ये ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर रिश्तों की बड़ी तामीरात बनाना, रिश्तों को समझना, फैमिली को समझना, बच्चों को बच्चा समझना, बड़ों को बड़ा, बच्चों को मैच्योरिटी से ट्रीट करके उनको प्यार देना, उनको ये बताना कि हम उसके क्या हैं, व्हाट वी आर, व्हाट दे वांट टू बी, व्हाट दे गना बी, व्हाट यू कैन गिव टू देम, व्हाट दे फील बेसिकली, ये वो चीजें हैं जो हमें जाननी है। और इस वक्त जो मेरे जो छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहूंगा। अगर आपके पास कुछ छोटे बच्चे मौजूद हैं तो प्लीज जो समझ सकते हैं, जो सुन सकते हैं, 8 साल के 9 साल के बच्चों, आप लोग बहुत बड़े हो गए हो, आपने अपनी जिंदगी के 8 साल गुजार लिए। इस चीज का इंतजार मत करना कि आपको बड़े होने की जरूरत है, नहीं, आप बड़े हो चुके हो। अभी से जिंदगी में आप वो कदम उठाने लग जाओ जो कि बाकी नहीं उठा सकते। बेटा अच्छा सीखना शुरू कर दो, अच्छा पढ़ना शुरू कर दो, अच्छा समझना शुरू कर दो। वालदैन की इज्जत अगर आज करते हो, इसको और बढ़ाओ। और उसके साथ साथ जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए बेहतर है, लाइफ जिंदगी के लिए, उसको समझना शुरू, कुछ बनना चाहते हो। जिस तरह के बचपन से ही मुझे इसी फील्ड का शौक था, आज कम अज कम मैं उसके करीब हूं। आगे जो मुझे जहां जाना है मैं वहां चला जाऊंगा, आप लोगों की दुआओं से जाऊंगा। बच्चों आप लोगों ने कभी जिंदगी में हार नहीं माननी। हाँ क्लास में टॉप करो ना करो कोई बात नहीं, मुझे पता है कि कई बार पढ़ाई मुश्किल हो जाती है। बेटा कभी भी नंबरों के लिए मत पढ़ना, पढ़ने के लिए पढ़ना। आपने पढ़ना है और अपने ख्वाब को पूरा करना है, उसके लिए पढ़ना। आप देखना आपके नंबर डायरेक्टली ठीक हो जाएंगे, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी नंबरों के लिए। नंबरों के पीछे नहीं भागना बच्चे, आपने कामयाबी के पीछे भागना। 3 पेपर होते हैं ना साल में, फर्स्ट ईयर वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल। फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में अपना कैपेबिलिटी देख लो, देख लो कि आप किस तरह से किस लेवल पे जा रहे हो। उस पर मेहनत करो, मेहनत करो, अपने घर वालों को दिखाओ कि आप बहुत समझदार हो, आप बहुत काबिल हो। आपको पता है हम जो अगर डिफरेंट, अगर मैं इंटरनेशनल कंट्रीज की बात करूं, छोटे छोटे बच्चे, मैंने रिसेंटली यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था जो मुझे बहुत पसंद है। एक छोटी सी बच्ची है, मैक्सिमम होगी 5-6 साल की, उसे दुनिया की 7 जबानें आती हैं। एंड द वे शी टॉक, दैट वाज सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। छोटी सी बच्ची है, मुझे देखिए इतनी हसरत, इतनी खुशी। मैंने कहा यार ये हमारे घर में भी हो सकता है, वी कैन ऑल्सो डू दिस। फैमिलीज, और मेरा पैगाम फैमिलीज के लिए, मेरे मोसेस माँ और बाप, मेरी मोसेस सीनियर्स, मैं शायद वालिद नहीं हूं, मुझे नहीं पता इसकी फीलिंग क्या होती है, बट मैंने देखा है, मैंने माशरे में देखा है। अपने बच्चे के कंधे पे हाथ रखिए, मैंने घर में देखा है। अपने बच्चे के कंधे बातों से बोल, बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, बेटा मैं तेरे साथ खड़ा हूं, तुझे कुछ चाहिए बेटा, शायद मेरी है, चलो बात करते हैं पैसों पर आ जाते, बेटा शायद मेरी अभी औकात नहीं है, पर मैं तेरे साथ खड़ा हूं। बेटा मैं तुझे शायद 2000 वाली चीज लेकर नहीं दे सकता, पर 200 वाली पे तेरे साथ खड़ा हूं। बेटा 200 वाली चीज तुझे मैं नहीं लेके दे सकता, बेटा 20 रुपए वाली चीज में मैं तेरे साथ खड़ा हूं, और उस 20 रुपए से तू और मैं मिलकर सोचेंगे कि 200 कैसे बनाना है। उस 200 रुपए वाली चीज से हम सोचेंगे कि हमने 2 लाख कैसे बनाना है। ये चीज अगर आप एक फैमिली बॉन्डिंग के अंदर अगर इस चीज को इंप्रोवाइज करेंगे, इसको इंजेक्ट करेंगे, ट्रस्ट मी आपका घर खराब नहीं होगा, ट्रस्ट मी आपके घर के अंदर लड़ाइयां नहीं होंगी। मेरी बातों को सुनने के बाद, अमल करने के बाद आपके घर का माहौल तबाह नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। हूं अनजान, खून का रिश्ता भी नहीं है, पर इस हाथ को काट के देखिए, इसके अंदर खून लाल है, अभी तक खून सफेद नहीं हुआ। जब तक ये सांस है, जब तक ये आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है, तब तक तो मुझे ये करना है। तो वो क्या करना है, गाइस वेरी सिंपल, रिश्तों में मिठास खुद पैदा कीजिए, कोई दूसरा तीसरा आके ये सब नहीं करेगा। टूटे हुए रिश्तों को संभालिए,
ये रिश्तों की डोर बहुत नाजुक होती है, बहुत नाजुक होती है। कभी अपना बाल देखा है? इस बाल से भी नाजुक होती है, मुश्किल होता है इसको संभालना। अब मेरा पैगाम कपल्स के लिए। नाउ हेडिंग टुवर्ड्स द कपल्स। आमतौर पर ऐसा होता है, मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूं। आपने किसी से, अपने से पूरा दिन बात नहीं की, वो कहीं बाहर था, आप उसका वेट कर रही थी, शायद वो आपके लिए बाहर कुछ प्लान कर रहा था। उसको एहसास हुआ कि यार आज मैंने पूरा दिन अपनी वाइफ से बात नहीं की, वो कहीं निकल के कुछ मैनेज करके आपको कॉल करता है, आपको बोलता अस्सलाम वालेकुम, और आप आगे से उस पर तोहमतें और इल्जाम लगाना शुरू। वो आपके लिए कुछ लाया है, कुछ अलग लाया है, उसको एहसास है कि उसने आपसे बात नहीं की, उसको एहसास है कि कुछ गलत हुआ है, वो आपके पास आया है, तो आपने बिना सोचे बिना समझे उसके ऊपर धावा बोल दिया और उसके हाथ में जो चीज थी वो वहीं की वहीं रह गई। और वो सोचने लग गया कि क्या जो मैंने पूरा दिन में, पूरी जिंदगी में जो वक्त इसके साथ गुजारा, जिसके पीछे मैंने इतना सब कुछ किया, क्या मेरा अभी इस चीज को टॉलरेट करना जरूरी है, या इसका इस वक्त ये करना बगैर मुझे सोचे बगैर मुझे समझे, शायद कि मेरा एक्सीडेंट हो गया होता, शायद कि मैं कुछ बुरी हालत में होता, शायद। ये वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। अब यहां से दरारें पड़ना शुरू हो जाती, छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स। लोग एक बड़ी मजे की बात करते हैं, मेरे सारे पढ़े लिखे दोस्त फैमिलीज, जहां लड़ाई नहीं होती वहां प्यार नहीं होता। अरे तो फिर तलाक कहां होती है, खुला कहां होता है, डिवोर्स कहां होता है, कहां होता है, मोहब्बत में होता है क्या? क्या कभी किसी ने प्यार में कहा किसी को, अरे यार आई लव यू सो मच बट आई जा तू आजाद है? कभी किसी ने कहा है क्या? नहीं कहा। प्लीज अपने कंसेप्ट को क्लियर कीजिए और इन अनमोल रिश्तों को संभाल लीजिए। किसका वेट कर रहे हैं आप? वेट कर किसका रहे हैं आप? अपना रिश्ता अपने घर की दीवारों से ज्यादा मजबूत रखिए, वो तो फिर कहीं साल दो साल चल जाएंगे, इससे एक दिन साथ गुजारना मुश्किल हो जाएगा। रिश्तों पे फोकस कीजिए, मेरे लिए नहीं, मेरे लिए कुछ मत कीजिए। हाँ, इससे पहले आप सोचेंगे यार ये कह रहे हैं, हमें कैसे होता है, हाँ ये कौन होता है हमारे घर के मामले में बोलने वाला, रेडियो पे बोलता है, बस बोले, काम करे और घर जाए। ये सुनने के लिए मैं तैयार हूं, मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं है। हाँ बुराई है तो दीजिए, मुझे बुरा कहिए, मुझे बुरा कहिए, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे कहिए तो सही, बुरा कहिए, मैं शो अच्छा नहीं करता, कहिए मैं बातें अच्छी नहीं करता, कहिए मैं ये अच्छा नहीं करता, मुझे मुझे सुनना है, आई वुड लव टू, और मैं बदले में आपकी तारीफ ही करूंगा। आप कोशिश तो कीजिए, मेरी बुराई तो कीजिए। छोटी छोटी खुशियां मनाइए, रिश्तों को आला मुकाम पे लेके जाइए, मेरे लिए नहीं, खुद की जिंदगी के लिए। हमें जन्नत चाहिए ना, आइए दुनिया में छोटी सी जन्नत बना दें। वो जन्नत क्या है? वो हमारा घर है। आइए इन घर को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मुझे पता है कई लोग इसी ट्रेडिशनल जो वेज होते हैं उनको फॉलो करते हुए एक अरसे होके उनको चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट ट्रस्ट मी, कोशिश करते हैं, वो कोशिश ही आपको कंफर्टेबिलिटी के लेवल पे लेके जाएगी। कोशिश करते हैं। और एक और बात, कभी किसी के दिल मत तोड़ो यार, क्योंकि जब दिल टूटता है ना बहुत दर्द होता है। एग्जैक्टली होता है, आपको नहीं होता तो शायद उस इंसान को होता है। रिश्तों को समझना शुरू कर दीजिए, रिश्तों में कुवत लाइए। जैसे ही रिश्तों की कुवत को समझने लग जाएंगे ना, आपको पता होगा कि यार अगर मैं बाहर से एक बड़ी सी टेंशन में आया हूं, मुझे बाहर से किसी ने 20,000 की नौकरी नहीं दी, घर आके मुझे 50,000 की नौकरी देने वाली दिलासे वाली तो बैठी है। सेम कंडीशन इसी तरह से हम लोग किचन में, आप मुझे बहुत सी मर्द हंसाता है जिनकी वाइफ जो है वो किचन में काम करती है, पूरा दिन काम करती है, हम लोग जाते हैं उन पर रोब जमाते हैं,
हाँ जी यार मिली, ये ले आओ वो ले आओ, उसमें ये कम होता है वो कम होता है, जस्ट गो यार, उसके साथ हेल्प करो, आस्क योर फैमिली, आस्क योर गर्ल, उसके पास जाओ, उसकी हेल्प करो, उसको 10 रुपए वाली अंगूठी दे दो यार। लेडीज के लिए भी सेम है, इट्स ऑल अबाउट द फैमिली। अपनी फैमिली में गिव एंड टेक, छोटी छोटी खुशियां ले लिया कीजिए। अरे मैं तो सबसे कम की बात करता हूं, मैं तो प्यार के इजहार ही 5-10 रुपए से शुरू करता हूं, ताकि बीच में कोई बहस ना कर दे कि जी हम कहां से पूरे करें, जी खर्चे पूरे नहीं होते। अरे 10 रुपए यार, वो छोटा वाला केक मिलता है 10 रुपए वाला, छोटा सा केक मिलता है, काफी है बस। हाँ अब ये आपकी मैनेजमेंट है, आप किस तरह से उस 10 रुपए वाले को 10,000 में कन्वर्ट करते हैं, ये आपका कमाल है, पर कीजिए जरूर गाइस। रिश्तों को मजबूत कीजिए, रिश्ते मजबूत होंगे, बहारें बहारें लगेंगी, आसपास खुशियां लगेंगी, आसपास मोहब्बत ऐसी बढ़ेगी, आसपास ऐसे लगेगा जैसे कुछ कुछ हो रहा है, जिंदगी खुश होने लग जाएगी, प्यार ऐसे जिसमें से खुशबू आएगी। होता है फिल्मों में नहीं, यही होता है, ट्रस्ट मी होता है, देखिए तो सही। अरे मेरी मान के देखिए तो सही, मिलेगा, यही मिलेगा इसी दुनिया में। हाँ पक्का पक्का ना, मानेंगे ना, लेकिन मानेंगे ना, अगर मानेंगे तो मेरे दोस्त पार्टी मिले। अगर आप लोग को लगता है कि आप रिश्तों में गुड़ डालने के लिए तैयार है तो मैं यहाँ पर स्टूडियो में शक्कर बनूंगा। अब बांटते हैं प्यार। आओ जी।
लेडीज एंड जेंटलमैन, लो मैं आ गया। We are going to take a break, news break. Kahin mat jayega, I'll be right back. Up next, 101 News Headlines. News Headlines. रात के 11 बजे हैं, अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। इमराना नाहिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम ने कहा है कि हुकूमत के फैसला साजी के अमल में शामिल की जाने वाली सनअतकारों की तजावीज के मईशत पर मुस्बत नतायज सामने आना शुरू हो गए हैं। वजीर ख्वाजा शाह महमूद कुरैशी ने नाइजर में ओआईसी के वजीर ख्वाजा की कौंसिल के 47वें इजलास से खिताब में कहा है कि भारत में हिंदुत्व के बढ़ते हुए रुझान से भारतीय मुसलमानों और खित्ते की सलामती को शदीद खतरात लाहक हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर ने कहा है कि हिजब इख्तलाफ की जमातें बदउनवानी के मुकदमात से छुटकारा हासिल करने के लिए अवामी इज्तमात मुनाकिद कर रही हैं और उन्हें अवामी सेहत से मुतालिक मसाइल की कोई फिक्र नहीं। रात के 11 बजे ओ मेरा फोन बजे, रात के 11 बजे ओ मेरा फोन बजे, सबसे आंख बचा के लगा के फोन छुपा के होले होले कनिया में कनिया कौन है की कहता है। मिले मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट ओनली ऑन टेलीनॉर 4G। रात के 11 बजे ओ मेरा फोन बजे। आयशा ये ट्यून सुनो, बताओ किसकी है। ठीक है ये फेयर एंड लवली की। फिर से सुनो। 100% फेयर एंड लवली की है ना। तो ये ग्लो एंड लवली की ट्यून है। कैसे? क्योंकि फेयर एंड लवली का नया नाम अब है ग्लो एंड लवली। अब हर चेहरा करे ग्लो। प्यारे बच्चों, आपको मालूम है ना कि कोरोना की दूसरी लहर बहुत शिद्दत से आई है और हमें आपकी सेहत बहुत अजीज है, लेकिन पढ़ाई का हर्ज हम नहीं करेंगे। हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं हम रेडियो स्कूल में, रेडियो पाकिस्तान पर पहली जमात से पांचवी जमात तक, हर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक और दोहराई के लिए दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक, गिलगित से गवादर तक, हवा के दूस पर साथ निभाएं और आगे बढ़ते जाएं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, और एक दफा फिर हमारी मैथ क्लास में खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है काउंटिंग। चलो गिनते हैं। इंग्लिश अल्फाबेट को उर्दू में अंग्रेजी हरूफ तहजी कहते हैं। ये कितने हैं? उर्दू में कितने हैं? तो सुनना ना भूलिएगा रेडियो पाकिस्तान के मीडियम वेव FM 93, FM 94 और FM 101 के नेटवर्क के अलावा रेडियो पाकिस्तान की ऑफिशियल ऐप रेडियो पाकिस्तान ऑफिशियल पर भी। रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज। विफाकी वजारत इत्तलात व नशरियात और वजारत तालीम व पेशावराना तरबियत की मुश्तरका काविश रेडियो स्कूल। पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमा। आप सुन रहे हैं FM 101।
no sé disimular lo que quiero cuando te veo. Tú tan solo con mirarme sabes cuál es mi deseo. Si te atreves, pues yo quiero ponle una excusa a tu jevo. Si yo te busco, él no se va a enterar, no te lo voy a negar. Luma é águia. Ladies and gentlemen, it's me, RJ Sahili Ja. कौन कौन मुझे जानता है वैसे हाँ? आइए जान बेजान को और बेहतर बनाते हैं एक दूसरे से बात करके. आइए आज अपने बचपन को डिस्कस करते हैं. जो बचपन है ना, ये बचपन बहुत कमाल होता है. लिटरली जो बचपन के दिन होते हैं ये इंसान के साथ ता क्यामत क्या ता उम्र तक रहते हैं. और ये वो यादें हैं जो कि इंसान चाहते ना चाहते हुए बिल्कुल भी जो है छोड़ नहीं सकता. और ये बड़ी रियलिटी है. हाँ, तो उसी वाले से आज हम बात करेंगे बचपन के ऊपर. बचपन में हम क्या बात करेंगे? बचपन में आप कैसे थे? शरारती, निकम्मे या शरीफ सादे? मेरी तरह. मैं जानना चाहता हूँ आप कौन थे, कैसे कर आज भी आपका बचपन गुजर रहा है तो अभी भी बताइए. कुछ मैसेज, उसके बाद लाइव कॉल्स लेंगे हम. तौकीर अहमद हमारे समझे मौजूद हैं कहूटा से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या बिल्कुल ठीक ठाक. और बहुत तेज से बोलना पड़ता है कि भाई, क्योंकि स्लो बोलेंगे तो टाइम जो है वो निकल जाएगा और फिर हम क्या करेंगे फिर. किस किस को ठंड लग रही है? जिस जिसको ठंड लग रही है, आइए छोटी सी एक्टिविटी करते हैं. आप लोगों को जिसको ठंड लग रही है ना, उसे क्या करना है? ऐसे करना, देखो क्या, जैसे काइंड ऑफ एक्टिविटी. यहाँ देखते हैं, काइंड ऑफ फनी थिंग. हंसना नहीं है, हंसना मना है. सो अच्छा, आप लोगों ने हंसना नहीं है बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ. अगर आप लोग हंसे तो फिर देख ले, ये बस गलत है ना. ऐसे किसी पर हंसना कोई अच्छी बात है. चले अब आपने सबने मिलकर करना है 1 2 3. जैसे ई, तो आपने ई करना है 1 2 3. नो 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 नो. जिससे किया वो स्टाइल हसलर हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. This is the beauty of FM 101 and also radio show. मैसेज, उसके बाद एक ट्रैक, फिर फौरन से पहले लाइव कॉल्स के लिए जाएंगे. जल्दी से नाम लेते, जल्दी जल्दी. मोहम्मद जबार बलोच, अब्दुल जबार बलोच, थैंक यू सर हमारे से मौजूद है. गुलाम अब्बास और एम रियाज भी हमारे से मौजूद है, बहुत शुक्रिया. भावलपुर से और उसके बाद जी फातिमा खान इस्लामाबाद से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक. और मैं आपके शो के इंतजार में थी. ओह सो स्वीट, थैंक यू. मैं भी आपके इंतजार में था ना, बहुत शुक्रिया. साद चौधरी हमारे से मौजूद है गुजर खान से. कैसे हो भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक. किसी भी शो में पहला मैसेज आ रहा है साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू. इसी तरह फ्रॉम आजाद कश्मीर, भाई आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है. प्लीज 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 बता दें FM 101 पे. हाँ, किसी का पूछ लिया, मुझे किसी का कुछ नहीं पता, मुझे अपना नहीं पता होता था. मौजूद है पिशावर से और बड़ी इमोशनल जो हो चुकी हैं, दिल दिल की बातें कर रही हैं. दिल दिल पाकिस्तान बेटा. फिलहाल ये बात करते हैं, वो टाइम निकल गया वैसे. एक महीने बाद सुन रहा हूँ शहबाज, मैं भी आपको एक महीने बाद मैसेज पढ़ रहा हूँ शायद. रेगुलर लिसनर पर साहिल लिसनर रहमत जैन हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम बहावरपुर कैंट. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. शो परफेक्ट है, बहुत शुक्रिया. साइलेंट लिसनर है तो पता नहीं, साइलेंट लिसनर पता नहीं क्या चाहते हैं मुझसे. इतनी मार तो कहा है प्यार से, आ जा कीजिए ना. मेरे लिए 20 रुपए नहीं लगा सकते? 20 तो ज्यादा हो गया, उससे भी कम. हाँ 10 रुपए बस करो यार. नेहा फ्रॉम पिंडी, आपका शो बहुत अच्छा है, थैंक यू. और भरे, आप बहुत बहुत अच्छे इंसान है. अच्छे जी. हाँ, मेरे दिल से पक्के पक्के वीर. और जब पक्के पक्के वीर क्या होते, कुछ स्टैंप है क्या इसकी? लतीफा आया, मुझ जैसा एक सादा इंसान कोरोना का टेस्ट करवाया. उसने, उसका दोस्त ने कहा, अरे यार तेरा टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ गया. कहता, अरे यार पैसे जाया हो गए. नो नो नो.
200 के लिए जो इस वक्त शो में मैसेज नहीं कर रहे और पैसे बचा रहे, जो बंदा शो कोरोना का नेगेटिव टेस्ट आने पे कहता है यार पैसे जाया हो गए इससे बेहतर में ना करवाता, वो शो में क्या मैसेज करेगा? कर दो। मैसेज नहीं आ रहा था, लिटिल के बाद मैसेज आते हैं कि मैसेज पढ़ना मुश्किल हो जाता है, बट स्टिल मेरा टारगेट ये नहीं है कि मेरे शो में मैसेजेस, अरे मेरे शो में बेशक मत करो पर किसी ना किसी के शो में कर लिया करो, हाँ पार्टिसिपेशन करो, दिस इज व्हाट आई मेट, कि आप लोगों ने बेसिकली पार्टिसिपेशन करनी है, कुछ भी हो जाए पार्टिसिपेशन करनी है, मेरे शो में ना करो, इट्स फाइन, थैंक यू, मेरे शो में बेशक मत करो, किसी के शो में करो, हाँ हम सबको सिर्फ आप ही की जरूरत होती है। शो तो साथ साथ चलता रहेगा, आखिर में नहीं बल्कि शुरू में लोग शुरू में भी कहाँ यार, अच्छा उन लोगों के लिए जिनका दिल थोड़ा सा कलबास साहब है, वही जो मैंने कह दिया वही है, हाँ इस ट्रैक को सुनेंगे फौरन के बाद, नहीं फौरन से पहले हम फिर जाएंगे लाइव कॉल्स की जाने 051-111-0101 क्योंकि अब न रहेगा खुशियों के सर पे गमों का ताज, मैं हूँ आपका होस्ट वही चीज़ तो बिकती नहीं बाजार में, हंस के अगर एक बार तू जो मांग ले, दिल तो है क्या जवार दूँ मैं प्यार में, बंदे है तेरी ये बातें है जाल ये दुल्प की रातें, मुझको नहीं इनमें उलझना, रख हुस्न की ये छोड़ मेरी
चार सौ लोग का हमारे साथ मौजूद होने का कल आवाज से दिल को हम बैकग्राउंड पे चलते रहने देंगे। आज हम जाते हैं टूवर्ड्स, पहले कुछ मैसेज पढ़ते हैं और उसके बाद फिर जाएंगे फॉरन से लाइव कॉल्स ट्राई करते रहिएगा। मुझसे बात करना वैसे इतना आसान नहीं है क्योंकि मैं तो आराम से मिलता नहीं हूँ, तो इससे पहले जो है जल्दी जल्दी मुझसे बात कर लें क्योंकि मैं आज हूँ ये कल नहीं, मैं नहीं जानता, बट अभी यहाँ पर हूँ, इसी अभी का फायदा उठाते हैं। अभी में चला गया तो क्या करेंगे, अरे यार इतने आर्जेस हैं, किसी और से गुजारा कर लेंगे, हाँ यही बोलना चाहते थे ना। एम हसन हमारे साथ मौजूद है फैसलाबाद से, बहुत शुक्रिया डी ग्राउंड से शो अच्छा जा रहा है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मंगल खान फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट लिया, थैंक यू सर। आ गया पाकिस्तान का चांद और तारा शिरोज खान प्यारा, अरे क्या बात है, वेलकम जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शेबुर रहमान, बहुत शुक्रिया, थैंक यू राजा अदनान दानी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया और आवाज की तारीफ कर रहे हैं, थैंक यू, आपकी आवाज भी बहुत प्यारी होगी आई एम श्योर। यूसुफ का होट से हमारे साथ फरमाइश पश्तो सॉन्ग की जो मैं लगा चुका हूँ, शेर खान बहुत शुक्रिया, शेर मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं कंड कोट से, थैंक यू सर मुझे मैसेज करने का, अस्सलाम वालेकुम आपकी शादी हुई। यार कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ये सवालात इसमें बहुत ज्यादा हो गया, नहीं यार फिलहाल नहीं हुई, फिलहाल शादी नहीं हुई तो ये हालत, शादी होगी तो क्या होगा मुझे नहीं पता, बट फिलहाल तो नॉर्मल है। मौजूद है ए जी, थैंक यू सर हमारे मौजूद है राणा शोएब जो है आवाज की तारीफ कर रहे हैं और अबू प्रोग्राम सुन रहे हैं, हाय अंकल जी, राणा शोएब की अबू जो मुल्तान से हमारे साथ मौजूद है, अंकल अपने बेटे को कुछ मत कहा करें, अच्छा लड़का है, इतने अच्छे बच्चे कहाँ मिलते हैं, बस शुक्र किया करें, अल्लाह ताला आपको औलाद से नवाजा है और बस इनकी कदर करें, आप ही कदर करेंगे, इसी तरह से जिंदगी को अच्छे तरीके से काट लीजिए अंकल जी, ये आपके इस बेटे का मशवरा है। मंडी बाल से बहुत शुक्रिया मौजूद होने का हमारे साथ, ग्रेट शो, थैंक यू सर हमारे साथ, अपना रहेगा खुशियों के सर पे गमों का ताज, ये हैं ग्रेट आरजे साली जान, थैंक यू, आई एम मानव फ्रॉम रावलपिंडी, से हाय जीशान, क्या दिया मैंने, वेरी नाइस शो, वेरी नाइस सॉन्ग, नाइस शो ब्रदर मंगल फॉर्म लिया। असद इमरान सालकोट से मौजूद है, पाकर में से ड्यूटी बहुत अच्छी गुजर रही है, अब तो गुजरेगी सर, साहिल जो आ गया, किसी की वफा पे कोई और मरे। एफएम सलमान खान फ्रॉम बारागो इस्लामाबाद से मौजूद है, बहुत शुक्रिया इमाद हमारे साथ मौजूद है, फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू सर। इमरान खान फ्रॉम इस्लामाबाद, इफ्तिसाम पिंडी से मौजूद है, इफ्तिसाम साहब के हाल है, वाल वदे उतर उतर पिंडी तो जड़े लोग ना, मैंने वैसे बड़ा पता नहीं, अभी कुदरती जो प्यार हो गया ना, वो पावन करे ना करे पर साढ़ा तो हो गया ना, एकड़ा पुछ के होता जनाब साजिद अली हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया पिंडी 333 कोड लगता दिखा दिए ना, यू टॉक सो मच ब्यूटीफुल, थैंक यू। इकरा खान लाहौर से हमारे साथ मौजूद है, रेगुलर लिसनर है, बनती जा रही हमारी। अबू सुन रहे आतिफ असलम का, अरे अबू को आतिफ असलम के सॉन्ग सुनाते हैं क्या, अरे किसने समझाया तुम्हें राणा शोएब, अंकल देख लें इसको। सीना पठान हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, बहुत शुक्रिया जी, पहले भी कॉल की बात करी है, ठीक है कॉल भी उठाते हैं जी, उठाते हैं, दिल बहुत उदास है, सैड सॉन्ग, दिल उदास है, सैड सॉन्ग लगाएंगे तो आंसू आ जाएंगे, आखिर मैं तड़का लगा दूंगा, बेफिक्र रहिए, बड़ा भी तो सिर्फ मेरे साथ रहिए, अनुषे फ्रॉम इस्लामाबाद। बार सुना है टॉपिक नाइस है, थैंक यू सो मच जी, आपने भी ऑन किया, बहुत शुक्रिया। अली जट फ्रॉम मुकारा हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है, मैं जल्दी मैसेज पढ़ लूं ताकि मैं सबको एक दफा मैसेज पढ़ के फिर मैं चला जाऊं तुम्हारे से कॉल्स। हफ्सा फ्रॉम वासु हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम माय फेवरेट आरजे, कितना तेज बोल रहा हूं ना आज मैं, क्योंकि मैं सबको लेना ना इसलिए, और मैं शो के मैसेज कर रही हूं, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अच्छा जा रहा है ट्रांसमिशन और बंद हो जाती है मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, थैंक यू हफ्सा, थैंक यू। Then we have Hania from Mansera, and brother, I'm your very big fan. Thank you so much.
मेरा नंबर लेना है, मेरा नंबर लीजिए ना, 05 क्या था मुंह से अपना तो नहीं निकल रहा था, 051111 0011 आनिया अभी कॉल करो। इकरा खान लाहौर से, ट्रस्ट यू सर, थैंक यू लाहौर, आप बेस्ट आर्ज हो तो एक सल्यूट आ गया। फैसला बाद से जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप, जुगत बहुत ठंडी है फैसला, अरे हम आई क्योंकि ठंडी इसलिए है क्योंकि इस वक्त ठंड बहुत पड़ रही है, फैसला बाद में गर्मी है इसलिए समझ तो गए होंगे। वासी मास्टर मौजूद है रावलपिंडी से, बहुत शुक्रिया मौजूद है उमेर, किसी बहाने आपने कराची से मैसेज तो किया जुगत ठंडी थी या नहीं, आप तो आए यार जुगा कमाल होता। खान हमारे समझो लाहौर से, और ये कह रही कि इनोसेंट थी ये चाइल्ड हुड में, अरे बड़ी फ्रॉम इस्लामाबाद, क्या बिल्कुल ठीक ठाक, सॉन्ग की फरमाइश कर दी, अच्छी बात है, पहली बार मैसेज करते, पहली बार सॉन्ग की फरमाइश नहीं करते, अब किसी ने बताया नहीं है, जहाँ कहीं जाए वहाँ पहले से सलाम दुआ करते। आकिब टेक्सला से, और मुझे किस कुछ मुझे किसी के बारे में मत पूछा करें, मुझे नहीं पता होता। आपको एक बात करनी थी और ठीक है मानी इस्लामाबाद से, ठीक है थैंक यू सर, थैंक यू। अनिला जट फ्रॉम गुजरात, अस्सलाम वालेकुम किंग ब्रो, वेलकम वेलकम। क्या कहते हैं कॉल्स की तरफ जाया जाए क्या, राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपके नाम, सिटी कहाँ से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर, पहले ये तो करें ना, उसके बाद फेसबुक पे जाएं FM 101 चैनल पाकिस्तान लिखें, पहले ये तो करें ना, उसके बाद फिर क्या करें 051111 0011 फिर ये करें, फिर 051 नहीं फिर वो हो जाएगा, दूसरा लेते हैं 9202540 ये भी कीजिए। तो अब हम जाने वाले हैं किधर, पहले जाते हैं टुवर्ड्स कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम, अरे आवाज खराब आ रही है, अरे प्लीज देख के देख के, हेलो आज आवाज आवाज अल्लाह खैर करे, किसी को आवाज आ रही है आपको? वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? अच्छा साहब कैसी हैं आप, आवाज ठीक आ रही, शुक्र अल्लाह का, कैसी हैं आप, ठीक ठाक? मुबारक हो, आप आज की पहली और आखिरी क्या लगा था, पहली कॉलर है, बहुत डिस्टॉर्शन है, बहुत डिस्टॉर्शन लग रहा है, कहीं बारिश में आप? अरफा लिटरली आपकी आवाज बहुत कट रही है, दोबारा दोबारा कॉल करो अरफा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी, कौन सा है, कहाँ से? कैसी हैं आप? ठीक हूँ, वैसे राहुल पिंडी वालों को याद कर रहे थे। हाँ जी, मैं किसी और को कर रहा था, पर चले आप आगे प्लीज आइए। अरे मैम प्लीज प्लीज, कैसी हैं आप, ठीक ठाक? ठीक हूँ, और मेरे बचपन के दिन आज बैठे बैठे क्यों याद आ गए मेरी बच्चियों को, मजबूरी पड़ गई, जल्दी से बताया ना जरा, कैसे थे आपके बचपन के दिन? बहुत मजे के, नहीं मतलब आप क्या शरारती थी, तो फिर कॉल क्यों की है? बहुत सच में, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इतना कोई शरीफ था कि मैंने क्लास में इतने लोगों को मारा हुआ था। नहीं नहीं यार, ऐसी कोई शरारत नहीं करती थी, बाकी छोटी मोटी तो शरारतें चलती रहती थी। नहीं मतलब कभी लड़ाई वगैरह तो नहीं की थी आपने? नहीं मतलब बिल्कुल कभी लड़ाई की नहीं आपने? नहीं, मतलब वो जो बाल पकड़ के खींचते हैं, नहीं नहीं शायद नहीं, आपने हर किसी को अपने जैसे समझा। अरे मैंने ये तो नहीं बोला कि मैंने अपने जैसे समझा, आपके बारे में पूछो ना, मेरा वाला तो फिर सर पकड़ के बाल नहीं, मेरा वाला तो उठा के जमीन के ऊपर। हाँ तो अपने मोबाइल पर देना, यहाँ क्यों दे रही हमारे तो बहुत अच्छे आदमी के कॉलर थे इरफान भाई ना, आपको पता है अजमत की शादी इरफान भाई से हुई है, कॉलर कॉलर की शादी हुई है, अल्लाह की कसम। हाँ यार ये होना कहता है कि बड़ी कंजूस हो, मैं कोई बड़ी शादी को ज्यादा तो नहीं खा लेती, इरफान भाई आप भी बड़ी मुझे सलाम देते रहते थे, लेकिन ये ऑप्शन रेडियो बुलाया ना, ये ऑप्शन रेडियो पे मौजूद है। अरे यार आप लोग कितने तेज, आप लोग कितने तेज निकले हो यार, बस आप सबसे मैं ही एक शरीफ हूँ यार, बाकी
सारे के सारे हाँ कमाल थैंक यू। नहीं आप भी तो हम लिसनर के साथ रह रहे के चिल्लाक हो जाएंगे। नहीं मुझे ऐसी चलाकी नहीं चाहिए। थैंक यू फॉर कॉलिंग। अच्छा मेरी तरफ से नीला को को चीकू को और मन को और मलिक आशीष और इरफान भाई से नाराजगी है और तेज ओके उन्होंने मेरे शादी का खाना निकलाया। यार एक तो ये खाने के पीछे इतना कभी खाने ने आपका जिक्र किया जो आप खाने का जिक्र करती रहती है। मुझे बताए ना आप भी अपनी शादी में मेरी शादी में आप लोग सब इनवाइटेड है। मैं चार पे जाके शादी करूंगा आओ ना जी तो हम भी चले जाएंगे। हाँ हम भी जाओ टिकट ही पूरी कर लेना है 15 करोड़ की टिकट है फिर। नहीं मैं तो नीला के साथ जाऊंगी। बस ठीक हो गया जब नीला अपने रिक्शे पे आएंगे तो पीछे आपको बैठा के ले आएंगे। हाँ, मैं भी आ जाऊंगी। नीला को कहना है कि अगर हो सके तो अजमत के भी अच्छा सा गाना गाए शादी वाला। डन थैंक यू फॉर कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बच्चे कहाँ से? कैसी हैं आप? ठीक ठाक जी अल्लाह का करम। आप सुनाए? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तो सच में भी बच्ची हो ना आप? अपने आज की ही बता आप बताओगी कि आप कैसा बचपन गुजारा है आपका। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है? भाई आपकी आवाज कट रही है। हाँ मैं वही कह रहा हूँ अब आपको आवाज आ रही है। हाँ मुझे बताओ आपका बचपन कैसा गुजर रहा है? शरारती हो या मासूम सी छोटी सी भोली सी बाली सी? मुझे बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बच्चे आपकी। बिल्कुल मासूम है। अच्छा बिल्कुल मासूम है। शरारती नहीं करती? नहीं मैं शरारती नहीं करती। कौन सी शरारती है? हाँ सर अम्मी को मोबाइल देना ना अम्मी बताएंगी कि आप क्या शरारती करती हो क्या नहीं करती। अच्छा नहीं करती। अच्छा जो छोटी नन्नी मुन्नी सी बच्ची हो ना आप शरारते कर लो। खैर यही उम्र है शरारतों की बड़े होके कहाँ शरारते होती हैं। क्या है? मेरे बचपन के दिन की क्या खूब थे इकबाल। मेरे बचपन के दिन की क्या खूब थे इकबाल बदमाशी भी था और बेगुनाह भी। अरे अरे मैंने सच में आपको बच्चा बना दिया। सच में बच्ची हो भी या नहीं? आवाज से मतलब बड़ी छोटी लग रही हो तो मतलब बड़ी हो ना हम जितनी हो या मतलब बहुत छोटी हो? क्या एज क्या आपकी? नॉर्मल हूँ। अच्छा आप नॉर्मल है तो बाकी सारे आप नॉर्मल है कमाल है। थैंक यू सो मच बच्चे फॉर कॉलिंग है। थैंक यू अस्सलाम वालेकुम। पीछे घरेलू टेंशन साथ लेके आए। अस्सलाम वालेकुम। लगता है इनको टाइम है भी आने में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं दिनेश फखर ब्रांड साहिल भाई क्या हाल है? अरे सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। ठीक ठाक है जनाब। प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा जा रहा है जनाब। थैंक यू जनाब। मैं ब्लाइंड हूं जनाब। ओहो सर बहुत आला शो जनाब साहिल भाई। अरे मजा आ रहा है सर फिर। हां बहुत खुश हूं जनाब। आपकी आंखें बने बैठे हैं इधर। सर आप मैं आपको मशवरा दूं तो आप 10:30 बजे के बाद कॉल लेना शुरू कर देंगे। यहाँ 10:30 के बाद कॉल करूंगा तो शो कब करूंगा? सर वो तो ठीक है आपके लोग आपसे बात करना चाहते हैं लोगों से। हाँ। लोगों से आपको मोहब्बत है इसलिए लोग भी आपसे मोहब्बत करते हैं। ये जो मुझे मोहब्बत करते हैं उनको कह दिए जी हम भी उनसे करते हैं। चलो चलो ना सर मैं कोई दोस्त का नाम ले लो। हाँ लो ना क्यों ना लो जल्दी से लो जल्दी लो। अनस हुसैन मतीर मान लाइसा खारी यकूब मोहम्मद इजाज आप मेरा दोस्त है आप, आपका हमने में वो क्लास वाले मेरा अच्छा। और कोई है? ठीक है अली हैदर को भी सलाम। और कोई? बस जी सहल भाई आपके लिए शेर जी। हाँ कीजिए जी कीजिए। मुझ पे तुमते लगी है तेरी गली से गुजरने की। मुझ पे तुम दे लगी है तेरी गली से गुजरने की रास्ता तेरा भी बाजार का बताया जाए तो अच्छा है। क्या बात है लड़के। वेरी गुड थैंक यू फॉर कॉलिंग ब्रदर। खुश रहना। अल्लाह हाफिज़। Could be something tragic. I got my horn to me, so this could be something magic. You looking real good, and I'm a good look at it. Live calls back to back. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम जी। चीकू किस वक्त आगे लड़के बिल्कुल एंड पे आए हो आपको पता है इस बात का? दो मिनट है जल्दी से ब्रेक लेनी मैं करा था। बचपन में मैं घर कम आया करता था। अच्छा शिकायतें ज्यादा आती थी। वेरी गुड
बड़ा पंच मारा लड़के। और उसके बाद फिर आपको पता जब शिकायतें ज्यादा हो, बच्चा घर में कम आता हो, कैसी कैसी फिर मौला बख्श तैयार होता है, तमादम मस्त कलंदर होता। अच्छा कभी ऐसे हुआ है कि आपके पास फ्लाइंग चप्पल आई हो और सही निशाने पे लगी हो? एक बार, कई बार हुआ। अच्छा कई बार हुआ, वेरी गुड। मैं अपने अचानक मुझे समझाया जा रहा था कि जैसे चुपेड़ था। नहीं जूती होता है, मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसी हरकत की है, आप एक कमरे में गए हैं, अम्मी अबू खड़े हैं सामने और कुछ भी है, और तो फौरन से उन्होंने जूती वहाँ से मारी और आप भाग रहे थे, आपको लग गई सीधा सर पे। वेरी गुड, थैंक यू सर जल्दी कॉल करने के लिए। और अभी जो टाइम है 11:30 हो गया, मैं तो जल्दी से ब्रेक ले लूं। ओके तुम तो जल्दी से ब्रेक लो, जल्दी से ब्रेक लो, क्या 11:30 हो गया, दिस टाइम चेक इज सुनेंगे टाइम चेक ब्रेक। वेरी गुड, और मैं जाता हूँ। Check. It's 11:30 PM. We'll be back after the short commercial break. Aisha, ये tune सुनो, बताओ किसकी है? ठीक है। ये Fair and Lovely की। फिर से सुनो। 100% Fair and Lovely की है। ना तो ये Glow and Lovely की tune है। कैसे? क्योंकि Fair and Lovely का नया नाम अब है Glow and Lovely। अब हर चेहरा का देख लो। पाकिस्तान एक इश्क, एक जुनून, एक पैगाम। रेडियो पाकिस्तान आपकी उमंगों का तर्जुमान। आप सुन रहे हैं FM 101। कसम से मजा आ गया आप लोगों से गपशप करके। समथिंग वेरी डिफरेंट, हाउ वेरी वेरी डिफरेंट। राइट मैसेज बताइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपके नाम सिटी कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर। FM पे जाते हैं, FM 101 चैनल पाकिस्तान, फेसबुक से देखते हैं कौन कौन हमारे साथ आ चुका है। आइए जल्दी से उन सबको शामिल करके ले आते हैं इस आज की हसीन सी शाम में। मानी सालियन से हम बहुत सा प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच, एंजॉय कर रहे हैं इस वक्त शो को। राशिद मीर हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद है, हमारी सालियां बहुत सा प्यार दे रहे हैं जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। और सबके मैसेज शामिल करूंगा, और आप शादी करो ना, अरे करेंगे, करो ना, खत्म तोड़े दो ना। हम खाना खाने आएंगे, खाना खाने के लिए मेरी शादी करवा रहे हैं। अच्छा आप शरीफ हैं, मैं बहुत शरीफ हूँ जी। मानी साली इस टाइम बहुत सा प्यार का मुजाहरा कर रहे हैं, इस टाइम में मौजूद हैं फेसबुक पे, मैं मैसेजेस जो है धड़ाधड़ शामिल कर रहा हूँ। उमता सुपर बहुत सा प्यार दे रहे हैं मानी सालियन, एंड कंपटीशन में मौजूद है हरीम कुल साहिबा, थैंक यू वेरी मच, जो इस टाइम फेसबुक से मौजूद है। जिन्होंने अभी तक फेसबुक को ट्यून नहीं किया उनसे गुजारिश है जल्दी से फेसबुक की सर्च बार पे लिखिए FM 101 चैनल पाकिस्तान, और फौरन से पहले पहली ही पोस्ट पे लिंक करके आ जाइए इस उमदा से शो में। दिल मिर्जा साहिबा कह रही हैं, हाय सर्दी। अच्छा जी, रेत ही रेत थी मेरे दिल में भरी, रेत ही रेत थी मेरे। नहीं आपने
भी करवाएंगे सर्दियों में, ऐसा ही हो रहा है। अच्छा जी, सर्दियों से याद आया और बातों से याद आया, आज वैसे आखिर बचा आखिर बताऊंगा, अभी नहीं कोई बात नहीं जी। दिल मिर्जा साहबा लेट हो गई है, अरे कोई बात नहीं होता रहता है। उसके बाद जी ऐसा नमाज से मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, इनका बहुत शुक्रिया, शो बहुत अच्छा लगा है। और आपके हफ्ते में कितने दिन होता है? मेरे हफ्ते में 3 दिन होता है, कौन सा होता है मैं खुद भूल गया यार। मंगल की रात को होता है 10 से 12 रात को, और जुमे की रात को होता है 10 से 12, और हफ्ते की रात को होता है 12 से 2। शुमाला गुड़िया जो कह रही है कि बहुत खूब कहा जी, मुत्तफिक है इस बात से, रहीम गुल साहब एंजॉय करी इस टाइम फुल जो है ना, अच्छे अच्छे जिन लोगों ने इस वक्त अच्छे जो है माइक्स का इस्तेमाल किया हुआ है, या फिर अच्छे क्या कहते हैं उसको, हैंड स्पीच का, इस वक्त उनको बहुत मजा आ रहा होगा। जो इस वक्त थोड़ा सा कॉपरेटिव में लाउड स्पीकर पर सुन रहे हैं, मैं उनको भी समझ सकता हूँ। कुछ इस वक्त गाड़ी में सुन रहे हैं, उनको भी बहुत मजा आ रहा होगा। हर कोई इस वक्त अपनी अपनी जगह पे बहुत ही इंजॉय कर रहे हैं। लिटरली मीन्स अ लॉट, थैंक यू सो मच फॉर यू ऑल। आइए चलते हैं कुछ कॉल्स की जानेब। अस्सलाम वालेकुम, अरे जल्दी बोलिए जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा क्या है? महक बेटी बात कर रही हूँ। से मैडम कैसी हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, आई एम फाइन। आप सुनाएं? ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे जल्दी से बताइएगा क्या सवाल, क्या जवाब लाई है मेरे लिए? हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत मासूम हूँ, शुरू से ही बहुत मासूम हूँ। अच्छा, आप मासूम हैं? हाँ बिल्कुल, बस जो है वो कॉलेज के लड़के बहुत डरते थे मुझसे। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन सा मासूम है जो मतलब क्या, मतलब जेब में क्या कोई, मतलब आपके पास कील होता था या वो कंपास होता था, स्केल होता था, मतलब क्या चक्कर था? नहीं, बचपन में बाबा ने जूडो कराटे सिखाए थे। अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू फॉर कॉल, थैंक यू। अब तो भूल गई हो मेरे ख्याल से आप। थैंक यू सो मच। नहीं, अब तो भूल गई हो ना आप? क्या बात, अब तो कराटे नहीं आते ना आपको? नहीं, अब तो आई एम एक्सपर्ट, लेकिन अब कभी वो आजमाई नहीं है किसी पे। अच्छा, आप एक्सपर्ट हैं? थैंक यू फॉर कॉलिंग, और आपका कॉल करने का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मुझे डोडो कराटे वाले से बहुत डर लगता है वैसे पर्सनली। हां पता नहीं काम कहां से पड़ता है। अच्छी बात है, डरना भी चाहिए वैसे, है ना? डरना चाहिए ना? बिल्कुल, बिल्कुल। याद रखिएगा कि मेरे, मैंने भी ब्लैक बेल्ट हूँ मैं भी। ओह माय गॉड, तो मैं ब्लैक बेल्ट नहीं हूँ। हाँ, इस वक्त मैंने ब्लैक बेल्ट पहनी हुई है। इस वक्त मैंने ब्लैक बेल्ट पहनी हुई, उसकी बात कर रहा था। आप भी ना सीरियस लेती है, मुझे पता है ये 2-4 बातों का। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मैडम, थैंक यू सो मच, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, वक्का सही ताइवान की जो थोड़ा तेज बोली, कैसे आप? अरशद राही गल कर दंदे हाल गाड़ो फैसलाबाद तो। अरे राही साहब, के हाल ने? मैं ठीक ठाक हाँ, लेकिन बचपन दे विच ना मैं बच्चियां दे कोलों छेड़ के ना, मैं तुहाडे कोल पुछिया पर सलाम दुआ ते कर लिए भरा यार, इतने अरसे बाद आए हैं, तेनू पता है असि ना मेहमान कोई नहीं सी मिलदी हुंदी, बंदा करे की उत्थे, बंदा करे की, मैं भी चुकन तो बैठा, मैं भी चुक रहे अल्लाह दे बंदे, मैं केड़ा कोई तुहानू पता है मैं तुहानू कितना। लेकिन अज फिर तुहाडे नाल गल करके बहुत ही मीठा जिहा लगदा पिया। मैं कह रहा जी, मैं रस्त भी मीठा, तुसी चेक नहीं कीता ले। थैंक यू, तुसी तुहानू पता तुहाडी बोली बड़ी मीठी है, पता नहीं तुम्हें तुसी इतना मीठा किवें बोल लैंदे, तुहाडी मिठास दी वजह तो मैं ही मीठा हो जाना। फैसलाबादी सारे मिठे होंगे, तो बाकी सारे चौंसा ते लंगड़ा होंगे, मिठे ही होंगे सारे। थैंक यू जी। अच्छा, तुहाडे बचपन दे दिन की सी, दस्सो जरा। बचपन दे विच शरारतां बड़ियां यार कीतियां। मैं भी कहना इतनियां कीतियां तेन पता, एक बारी मैं ग्रां गया ना, ते मैनू नहर तैरना नहीं सी आंदा, ओह मैनू कज़ना विच पाता, ते मैं जदों ओह मतलब नहर बिलकुल टुर, मतलब तुहानू पता नहर चलदी पई हुंदी है, मैनू ऐसा होता आया अल्लाह माफी ते मरन मरन तू बचा। हाँ, लेकिन लाहौर दे विच आपी शमीम तुहाडा प्रोग्राम सुनदी सी, उन्होंने मैं सलाम अलैकुम कहना चाहूंगा। बस तू तुसी क्यों कहना, मैं कह देना अस्सलाम वालेकुम आपी शमीम, के हाल है, ठीक हो गया? ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़ जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन कहां से? अरे मैं भी मासूम साहिल बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपको मजे की बात बताऊं? नहीं।
ये कहता है ना कि मैं शरारती नहीं हूँ, वो सबसे ज्यादा शरारती होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। ये सारी आज सारी अंदर की बातें निकल रही। वैसे आप तो शरारती नहीं थे ना? मैं तो बहुत मासूम हूँ, आपको मेरी आवाज से मालूम हो रहा होगा ना। जी आप आवाज से तो बहुत मासूम लग रहे हैं, और आपके मासूमाना अंदाज पे हम कुछ सेकंड की खामोशी तो नहीं ले सकते। मेरी तरफ से अनिला आपकी को बहुत सारा सलाम। और इंशाल्लाह आप कोशिश करूंगा कि अब आपका रेगुलर लिखा जाए, क्योंकि आप बहुत एनर्जेटिक और बहुत लाउड बोलते, मजा आता है सुनके। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, खुश होइएगा। थैंक यू फॉर कॉल, जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान के नौजवान हो, कौन कहाँ से? भाई जान आपका भाई बोल रहा हूँ, पाकिस्तान आर्मी। अरे आसिफ भाई, मैं भी आपका भाई बोल रहा हूँ, आरजे साहिली जहाज FM 101 से। भाई क्या मैं भी ठीक ठाक, आप बताइए, आप बताइए, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, ड्यूटी पर बैठे हैं। अच्छा माशाल्लाह, ड्यूटी पे बैठ के तो शो सुने कितना मजा आता होगा ना? बहुत मजा आता है। और हमारी बहन अजमत लेकर की शादी हुई है, उनको बहुत मुबारकबाद। वो भी हमारे फौजी भाई से हुई है। आपका दिल जल तो नहीं रहा? नहीं, हमें खुशी हुई है, हमारे फौजी भाई की शादी हुई है। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे बताया नहीं आप बचपन में कैसे थे सर? जी जी हाँ जी बताइए। मेरी बहन है शैमा पिंडी वाली, उसको सलाम दुआ देना है, सलाम देना है बेवफा जीतू भाई। बाकी जितने भी मेरे भाई सुन रहे हैं सबको स्पेशली पाक आर्मी की तरफ से सलाम। वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर, खुश होइएगा। हेलो ऑफिसर सर, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम, कौन साहब कहाँ से? हाफिज मोहम्मद समीउल्लाह, पाक आर्मी डिस्ट्रिक्ट मंडी बहावलदीन, तहसील मलकवाल, चक नंबर 30 शालीवाल। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इतना बड़ा एड्रेस तो मेरा, मैं इस टाइम मौजूद हूँ जी रेडियो पाकिस्तान के स्टूडियो से, आरजे साहिल इजाज़, चक कोई भी नहीं, सीधा चक के इतने आ गया। मतलब साहिल भाई, काफी दिनों के बाद मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, और मुझे पता चला है कि मेरे काफी FM 101 के लिसनर्स जो है वो काफी दिनों से कह रहे थे कि समी 9 पे नहीं आ रहा। अच्छा, कुछ ऐसी एक्टिविटीज थी जिसकी वजह से मैं FM नहीं सुन सका। सो स्वीट सर, सो स्वीट, थैंक यू सर। सर आपने बचपन के बारे में नहीं बताया सर मुझे। बचपन कुछ मदरसे की जिंदगी में ज्यादातर गुजरा है, हिफ्ज़ कर रहा था मैं, और दूसरा कुछ स्कूल में गुजरा है। आई थिंक जब मैं 7-8 साल का था तो हमारे घर में बहुत ज्यादा औरतों का आना जाना लगा होता था, मेरे वाले सब दम वगैरह करते थे। अच्छा, तो मैं अक्सर औरतों को यानी के वो हेल्पर था, बच्चा होता था मेरे साथ, प्यार भी बहुत करती थी, कभी उनको चुनिया मारना, कभी उनको थप्पड़ मारना ऐसा। वही नतीजे आज तक भुगत रहे। मेरी सिस्टर ने बताया कि आप ऐसे नेटिव बॉय होते थे। अरे अरे क्या बात है यार, मुझे तो आज तक किसी ने बताया भी नहीं ये सब बातें, पर हम पता नहीं क्या क्या करते थे। बहुत मार खाई है यार आपके भाई ने, बहुत मार खाई है मैं कहता हूँ। साहिल भाई आपका वैसे इलाका कौन सा है? यार हम बेसिकली अब तो बचपन से मैं इस्लामाबाद से ही, मतलब समझ ले कि जब होश संभाला। हाँ इस्लामाबाद से, बचपन से इस्लामाबाद से, वैसे जंग से। यार मैंने तो आधी जिंदगी अपनी इस्लामाबाद में गुजारी है, F64 आपने सुना होगा। हाँ जी 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 जी, जाते रहते हैं। वहाँ पर मेरा जामिया था, वहाँ मैंने स्टडी किया। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर। FM 101 के तमाम लिसनर्स को मेरा सलाम, स्पेशली नैला, जल्दी बोले, जल्दी सर जल्दी, लाहौर से, और तेज, और ये अरशद राही, और तेज, और उस्मान, और तेज, और तेज, और तेज, सबको मेरा खुशी। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, खुश होइएगा। हेलो ऑफिस, और कुछ मैसेज पढ़ते हैं, उसके बाद जल्दी से जाएंगे। दोबारा कॉल की तरफ अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया लाहौर से मौजूद होने का। दीवान फराज हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया दोबारा हमारे साथ मौजूद होने का। और साकिब अबासी, थैंक यू सर, खुश रहे। और उसके बाद काशु हमारे साथ, मुगल हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। उसके बाद साले अफरीदी जो मौजूद है पाक आर्मी इस्लामाबाद से, और भाई मैं सारे लिसनर हूँ, सबको सलाम दे रहे हैं। वालेकुम सलाम, खुश रहिएगा। राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम, सिटी कहाँ से बात करें लिखते ही सेंड कर दीजिएगा। 4-4-7 एक पर कनीज जहरा हमारे साथ मौजूद है और कह रही है हेलो भाई, और आप कौन सी बातें करते हो आजकल? इम्पॉसिबल है, अरे इम्पॉसिबल है,
इम्प्लीमेंट के लिए नहीं, क्रिसिस ऐसा नहीं है। देखिए हर दौर में हर तरह के इंसान होते हैं, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। हम जिक्र करते हैं उन सब का जो जनरल होता है, जरूरी नहीं कि हम यहाँ पे कुछ इम्प्लीमेंट करने के लिए आए हैं। और इट्स नॉट समथिंग अबाउट कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एक्सप्रेस और एक होता है इम्प्रेस। जिंदगी में जब कभी बोलो एक्सप्रेस करने के लिए बोलो, इम्प्रेस करने के लिए मत बोलो। मुझे नहीं पता आपने बात लिखी क्यों, बट इम्पॉर्टेंट ये है लाइफ में सिर्फ मुझे ही पहला मैसेज नहीं किया, दुनिया में और बहुत से लोग आपसे बहुत दफ़ा हम क्लाम होते होंगे, उनको ये जरूर बताना के लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल लव्स जो है उस वो कंटेन है आई एम पॉसिबल। सो करीज ज़ारा दिस फॉर यू। सो मच, आप इंजॉय कर रही हैं इस वक्त शो को एक नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाने के लिए। आप सब लोगों के साथ ही तो चाहिए था और मैं कर ही कह सकता था, बट तू चाहिए शामो सुबह तू चाहिए, क्योंकि ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी मैं जर्द सितारा दर्द सितारा। Ladies and gentlemen, welcome to the world of peace. Raul gonna be your host for this. And now the time is changed. 3, 2, 1, go. Let me just take you to the next level, which is called peace. ओ करम खुदाया है तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना है, मुझे जीना आया है। अजी सुनिएगा ये। ओ तेरे संग यारा कुछ रंग रात दीवानी मैं जर्द सितारा, और तेरे संग यारा कुछ रंग बहारा, मैं तेरा हो जाऊं जो तू कर दे इशारा। हाय मैं सदके जावा शामिल कर चुके कुछ रहते हैं उनको हम देख लेंगे। हमारे साथ राइट मैसेज में जाइए, 101 लिखिए, स्पेस दीजिए, आपका नाम, सिटी कहां से बात कर रहे हैं लिखते ही सेंड कर दीजिएगा 4471 पर, और ये कसम भी अभी तोड़िएगा। आज पहली बार आपके खातिर बैलेंस की कुर्बानी की, टुडे इज माय बर्थडे, प्लीज विश मी। इस एफएम सनी मिर्जा फ्रॉम लाहौर, हाय सनी एंड हैप्पी बर्थडे टू यू ब्रदर, मे यू हैव मेनी 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 मोर हैप्पी बर्थडे। जियो हजारों साल तो नहीं कह सकता, जियो बहुत से साल और उसमें हजारों खुशियां, ये मैं कहूंगा। ओ करम खुदाया है। फिजियो फैजी हमारे मौजूद इस्लामाबाद से, साल भाई मेरी हाजिरी लगा दीजिए टेंडर स्मार। यही तो मुझे जीना आया है, ओ तेरे संग यारा खुश रंग ये कहीं इवेंट से बिजी थे और इस टाइम सुन नहीं पा रहे, कोई बात नहीं हफीज भाई, आप आ जाते हैं यही मान ली काफी। हाँ बहुत अच्छा लगता है जब आप आते हैं और खास तौर पे अटेंडर्स के लिए बोलते हैं। आई लव योर एटीट्यूड रिगार्डिंग दिस, सो थैंक यू वेरी मच हफीज साहब। अफान रावलपिंडी से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अरे जी कैसे हैं आप? शहाब हमारे से मौजूद हैं अबासी राव पिंडी से, थैंक यू सो मच। कुछ और कॉल सर लेने का सोचता हूँ पर देखते हैं। 0511111001 एंड 0519202540। से प्रोग्राम की जो है तारीफ कर रहे हैं, मान रहे हैं आप भी सर, बहुत शुक्रिया। सरदार तुफैल हमारे साथ मौजूद हैं, वालेकुम सलाम। बाकी सारे रास्ते बस आया हूँ तेरे पास रे, मेरी आँखों में तेरा नाम है पहचान ले, सब कुछ मेरे लिए तेरे बात है, सौ बातों की एक बात है। अनवार भाई, अनवार बिलाल हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ कॉल पे नहीं थे मैसेज पे थे। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? सरफराज बात कर रहा हूँ, रावलपिंडी से। सरफराज भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अरे ग्रेट सर, अरे ग्रेट सर, मुझे जल्दी से बताइए सर, आपका क्या, आपका बचपन कैसा गुजरा सर? आप तो बहुत याद करते होंगे आप। बस अच्छा एक चीज है कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ स्टेशन सुनता हूँ रेडियो के, तो आप दूसरे नंबर पे हैं मेरे पास। फिर भी सेकंड है, पूरी पूरी कोशिश करेंगे सर कि आपकी जिंदगी फर्स्ट नंबर नंबर इमरान अली मानी पूरी दुनिया में से। मैं मुख्तलिफ बहुत सारे आर्टिस्ट को सुनता हूँ, अच्छा अच्छा, लेकिन वो सबसे पहले नंबर पे है। अच्छा, सर वो 101 के हैं, आप भी 101 के हैं। ओहो सर, हमें लास्ट पे ले जाइए, कोई बात नहीं सर। हम लोग सब एक जैसे हैं और आप मुझे सुने उनको एक ही बात है, बट द पॉइंट इज के बस कुछ कुछ लेके जाया करें यहाँ से, हाँ इस दरवाजे से लेंगे उस दरवाजे से, मकसद आपको देना है। ठीक है सर। अच्छा तो मैं मेरे ख्याल से इतनी शरारतें भी कुछ करते रहे हैं, लेकिन ज्यादा सैड सैड मेरे ख्याल से तनहा पसंद यानी कि रहना, या गेम में ज्यादा दिया है मैंने, जब भी बचपन में खेले बहुत ज्यादा है। ग्रेट सर, मतलब आप थोड़े से शरारती टाइप भी थे। लेकिन वो भी था, लेकिन ज्यादा इस पे दिलचस्पी ये इस पे ज्यादा थी, गेम खेलना, कोई ना कोई गेम जरूर खेलते थे। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे सर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर जहाँ तक आवाज जा रही है सभी के लिए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तेरा मेरा मिलना दस्तूर है, तेरे होने से मुझ में नूर है, मैं हूँ सुना सा एक आसमां महताब तू, ओ करम खुदा। दीवा सालिन कह रही आपने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था। हाँ जी कर लिया था, आप जानती हैं कि आपको तकलीफ नहीं दे सकते, तो फिर क्यों कहती हैं, समझती हैं इन सब बातों को, फिर आप इस तरह की बात करते हैं। इसी बात के ऊपर एक बात याद आई, ओ तेरे संग यारा कुछ रंग बहा। वो किसी ने किसी से कहा, अपने हाजी साहब थे ना, एक लड़के ने एक हाजी साहब से कहा, उसने कहा हाजी साहब ये जड़ी बीवियां होंदिया ने चिड़िया ना लड़दियां ने ना गुस्सा कर दिया ने, खाना टाइम तो पका के देंदियां, बिल्कुल टेंशन नहीं देंदियां, इन्हां जी बीवियां नू की कहिदा? हाजी साहब कहंदे ने बेटा यू जी बीवी नू वहम कहिदा। नो 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 नो। तो वो जो वहम हम लोगों ने अभी आज से पहले जमाने वाले हमें ये वहम कहते, नहीं इस वहम को रियलिटी में तब्दील करेंगे। जो लाइव कॉल्स और फिर चलते आगे, अस्सलाम वालेकुम, ध्यान से ध्यान से ध्यान से 051-111-0001 and 051-920-2540. Assalamu alaikum. Hello. Hi. Waalaikum assalam ji. Asad Shakil bol raha hu ji, Attak se. Asad sahab kya hal hai? Ji Allah ka shukr hai Sahil bhai, mashallah pehle ki tarah aaj bhi bahut very nice program hai. Na kare sir, Allah ki qasam. Nahi nahi nahi, aap waqai aapse bahut pyar karte hain. Are sir, thank you sir. Thank you so much sir. Allah aapko izzat de, Allah aapko khush rakhe aur aap FM की शान है और बहुत अच्छा प्रोग्राम आप। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपको पता ही अच्छा क्यों होता है? आप हैं ही बहुत अच्छे। अच्छा जी, ये मुझे वैसे आज पता लगा, बट स्टिल थैंक यू सो मच सर, आप इतना आते हैं, इतना प्यार से बात करते हैं, सच में चेहरों पे मुस्कुराहटें भी बिखेर देते हैं आप। तो बचपन में मैं आपको बताता हूँ, असल में मैं इतना शरारती तो नहीं है, कोई मैंने शरारते कोई नहीं। सच बताना सर, देखिए सच, आप अपनों से झूठ नहीं बोलते सर, सच बताना। मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा अच्छा बताइए। मुझे ये जो ना मुख्तलिफ परिंदों की बोलियां, यानी मुख्तलिफ परिंदों की जो आवाजें हैं, इनकी कॉपी करने का शुरू से मुझे बहुत शौक है। मैं अच्छा, हर किस्म की आवाज वगैरह उनकी कॉपी कर लेता हूँ। जैसे रेलगाड़ी चलती है, हवाई जहाज या इस तरह की जो चीजें हैं, इनका मुझे बहुत ज्यादा शौक है। बांसुरी, रुबाब, पियानो, बेंजो, वायलिन,
और बांसुरी मैं बहुत खूबसूरत बजाता हूँ, और इस तरह बजाता हूँ जैसे आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा सांस टूटा ही नहीं। अरे वेरी गुड, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, क्या बात है। इस तरह के शौक है मुझे, यानी इस तरह के बचपन से। अरे सर वेरी गुड, वेरी गुड सर, थैंक यू। बेहतरीन बजा लेता हूँ, अलगोजा में बेहतरीन माशाल्लाह बजा लेता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपके जज्बों को सलामत रखे और हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे बजाया के बजाते रहिएगा। कभी सुनाए ना हमें बांसुरी लेके आइएगा। उसमें सैफुल मलूक और हीर वारिस का, अच्छा इनका मुझे बहुत ज्यादा, हाजी इनमें मुझे बहुत ज्यादा इनमें उबूर है। तो आप ऐसे करें ना, नेक्स्ट शो में आप बांसुरी लेके आए, नेक्स्ट शो में बांसुरी लेके आए, पूरा एक मिनट में आपको तोहफा करूंगा। मैं उसमें आपको कौन सी धुन पुरानी ताकि उसको मैं प्रैक्टिस करूं। सुन वंजली दी मिठड़ी तान वे मैं तो हो गई कुर्बान। I love this beat। आपको सब बिल्कुल सुनाएंगे। बस ये डन करें, डन हो गया सर, डन हो गया। इन चीजों का शौक है सर, डन हो गया सर। आपका शौक कल पूरा करते हैं सर इसी शो में। थैंक यू सो मच सर फॉर कॉलिंग। अल्लाह हाफिज। कल आप मुझे सुन सकते हैं रात 12 से 2। फरहान हमारे साथ मौजूद है पिंडी से। वालेकुम सलाम जी, अच्छा शो जा रहा है, बहुत शुक्रिया फरहान बेला रावल पिंडी से, थैंक यू। बहुत लोग आते हैं उसे पिंडी से। मैं तो रब से मांगू दुआ ये तुझको मुझसे प्यार। उसके बाद हमारे साथ जी इकरा लाहौर से, और कह रहे हैं कि हाँ जी बात कर रही हूँ, अच्छा से बात करनी, ठीक है जी, आपकी आवाज अच्छी है, थैंक यू। और दो बोल का सॉन्ग लगा दे, अच्छा फिर सॉन्ग की फरमाइश। अरे लगा तेरा जाना, रहमान बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। और अनफॉर्चुनेटली टाइम खत्म हो गया जनाब, अब हम जाए, अब हम Now it's the time for me to go and just now I'm going to like share my poetry with you all. Let me check that I can complete this or not. So let me try कि एक poetry आपके नाम करते हैं, फिर चले जाएंगे यहाँ से, खामोशी से छोड़ देंगे आपको आपके हाल पे। बस ध्यान ये कीजिएगा कि जो बातें मैंने बोली हैं उसको कहीं ना कहीं सोचने और समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरी बातें महज लफ्ज और कहानी जैसी नहीं होती, हकीकत में इनका एक रूप होता है, वो रूप धार लीजिए। उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अच्छा मिल जाएगा यहाँ से। जाने से पहले आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक से माय पोएट्री, सो लेट मी बिगिन। आदाब इश्क तो जान लीजिए, फिर दिल भी लगा लीजिए, ये बाजार है दिल वालों का, यहां खुद को भुला दीजिए। अगर जरूरत पड़ जाए नाराजगी के इजहार की, तो खामोशी से आजिजी से अपनी गर्दन चुका लीजिए। कशिश है मेरी उल्फत की तेरे करार से ज्यादा, हो करना हो मुकाबला तो ये फितरत मिटा दीजिए। जानता हूं मुश्किल होगा यू बनना सवरना तेरा, है यकीन जो मुझ पे तो ये कुदरत पलटा दीजिए। ना कीजिए यू जूम इन तेज हवाओं पर, कि अब झटका के जुल्फ अपनी ये बारिश बरसा दीजिए। चुभन सी हो रही क्यों सांस की रवानगी में, चुभन सी हो रही क्यों ये सांस की रवानगी में, अब रख के हाथ दिल पे मेरी रूह को तड़पा दीजिए। This would be the best ending. हरे हम सदके तुम्हारे, तुम्हारे सदके, हरे हम सदके। Ladies and gentlemen, thank you very much for being here. अभी तक मुझे बर्दाश्त करने का और झेलने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल 10 से 12, बिल्कुल नहीं 12 से 2। Tomorrow will be the Saturday night and हम सब मिलकर उसको सेलिब्रेट करें। इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की और ये सांसें चलती रही, तो साहिल की आवाज कल 12 से 2 आप यहाँ जरूर सुनेंगे। अरे अच्छी क्या इमोशनल कर रहा हूँ मैं। सो आप लोग ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा। गुड नाइट, हैव अ गुड स्लीप, और रफी मानल्ला, और जहाँ रहिए खुश रहिए। मेरी बातों में से कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात को लेकर कहते खींच के रबड़ की तरह लंबा करके अपनी जिंदगी के साथ और भी लोगों को इसमें जोड़ लीजिए, इसमें समेट लीजिए, और हमेशा खुश रहिए। जस्ट डू व्हाटएवर यू वांट टू, एंड डू ट्राई टू गिव मी द फीडबैक ऑन माय
जर्मन पेज विद द नेम ऑफ साहिल इजाज और कहीं मत जाएगा। अब तो मैं जा रहा हूँ, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। जाने से पहले जस्ट से 1 2 3 मैं 1 2 3 बोलूंगा, से साहिल, जैसे साहिल मैं बोलूंगा तो यू हैव टू से माय नेम, सो जस्ट डू इट राइट नाउ। सो 1 2 3 से साहिल। तुम्हारे सदके तुम्हारे 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 सदके हाय रे हम सदके तुम्हारे हाय रे हम सदके तुम्हारे बेचैन ये तबीयत इश्क है या ये दर्द है। और ये चीज सब चीजें कायम करनी होती है, वो बेचारे इस चीज से महरूम है, बट इस वक्त मेरे जो पार्टनर्स हैं, मेरे मेंबर्स हैं जो कि इस टाइम सुन रहे हैं, वो उन तक की बात पहुंचाएंगे। आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज में से बहुत लोग होंगे जो रेडियो नहीं सुन